सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यशराज सॉल्यूशंस में। मैं हूँ आपका दोस्त टेक्निकल मुकेश। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और शानदार वीडियो लेके आया। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही अल्टीमेट और खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर शटडाउन की ऐसी दो ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पीसी के शटडाउन करने का जो तरीका है वो 100% चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली जो हमारी ट्रिक है स्लाइड टू शटडाउन और दूसरा है टाइमर शटडाउन। तो यहाँ डेस्कटॉप पे देख लीजिए, एक शॉर्टकट बना हुआ है। इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक जो स्लाइड है ऊपर से ड्रॉप होगी और यहाँ लिखा भी है स्लाइड टू शटडाउन योर पीसी। इसको जैसे ही आप ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे और जैसे ही टच करेंगे नीचे, तो आपका पीसी शटडाउन हो जाएगा। फिलहाल मैं शटडाउन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप डबल क्लिक करेंगे, जो स्लाइड ड्रॉप होगी उसको ट्रिक करके नीचे ही टच करेंगे तो आपका पीसी शटडाउन हो जाएगा। तो चलिए पहले ट्रिक को कैसे क्रिएट करते हैं इस शॉर्टकट को। तो यहाँ देख लीजिए, हमारे डेस्कटॉप पे अलग अलग शॉर्टकट बने हुए थे अलग अलग सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन के। तो आपको सिंपली यहाँ स्लाइड टू शटडाउन शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए अपने पीसी के डेस्कटॉप पे आपको न्यू में चले जाना है, माउस का राइट क्लिक करके और शॉर्टकट पे आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। अब यहाँ पे जैसे ही आप शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ लिखा है टाइप द लोकेशन ऑफ आइटम। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये कोड है ये शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए स्लाइड टू शटडाउन का, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप वहाँ से कॉपी करके अब यहाँ पेस्ट कर दें और ये सिंपल भी है, आपको परसेंटेज का सिंबल टाइप करना है, फिर विंडो डायरेक्टरी, फिर परसेंटेज का सिंबल, इसके बाद फिर आपको बैकस्लैश और इसके बाद सिस्टम के बाद आपको 32 टाइप करना है और फिर बैकस्लैश के बाद आपको यहाँ स्लाइड जैसे ही लिखेंगे तो ये ऑटो सजेस्ट करेगा। अब यहाँ पर ये आ चुका हमारा कोड। सिंपली आपको आप कुछ भी नहीं करना, इसका शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, आप इसको क्या नेम देना चाह रहे हैं शॉर्टकट को, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्लाइड टू शटडाउन ही रहने देता हूँ। तो इस प्रकार से जो शॉर्टकट बना है इसका कोई भी अभी इसकी नहीं है इस आइकन की, ठीक है, दूसरे ये शॉर्टकट से अलग दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे चले जाना प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद चेंज आइकन वाले जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे क्लिक करना है सिंपली। तो चलिए चेंज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब इस प्रकार से कुछ ओपन होगा, ऐसे ओके कर दें। अब शटडाउन के लिए यहाँ से कुछ भी आइकन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल शटडाउन के लिए ये अच्छा रहेगा, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद ये आइकन आ चुका हमारा, अप्लाई पे क्लिक करते हैं पे, तो देख लीजिए हमारा यहाँ शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देख लीजिए आप जो स्लाइड है ऊपर से ड्रॉप होगी, ठीक है, और इसे ड्रैग करके आप जैसे नीचे लेके आएंगे और टच करेंगे तो आपका जो पीसी है शटडाउन हो जाएगा। फिलहाल मैं पीसी शटडाउन नहीं कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वीडियो कैसे देखेंगे फिर, ठीक है। तो डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ देख लीजिए इस प्रकार जिस स्लाइड होगी उसको आपको ड्रैग करके नीचे लेके आना है। तो चलिए अब हमारी दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि टाइमर शटडाउन। तो टाइमर शटडाउन में भी इस प्रकार से शॉर्टकट बनता है, जैसे ही आप इसको शॉर्टकट को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा कि आपका जो पीसी है 3 मिनट में बंद होने वाला है। तो फिलहाल मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर बंद कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो सिंपली हमको क्या करना है, विंडो आर बटन दबाना है इसको कैंसिल करने के लिए और शटडाउन स्पेस और यहाँ डेज के बाद आपको ए टाइप करना है और ओके कर देना है, तो आपका जो टाइमर शटडाउन है वो कैंसिल हो जाएगा यदि आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर शटडाउन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है कि अपने डेस्कटॉप पर फिर से माउस का राइट क्लिक करना है। तो चलिए हम माउस का राइट क्लिक करते हैं और फिर से न्यू में चले जाते हैं, न्यू के बाद शॉर्टकट। तो शॉर्टकट पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे शॉर्टकट का जो विंडो है या डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका, यहाँ सिंपली आपको लिखना है शटडाउन। शटडाउन के बाद आपको सिंपली स्पेस देना है और फिर डैश और इसके बाद एस, एस स्टैंड फॉर यहाँ पे है शटडाउन, ठीक है, और इसके बाद टी से है टाइमर, ठीक। आपके पास अब यहाँ 60 अगर आप सेकंड टाइप करते हैं यानी कि 1 मिनट 60 ये है 1 मिनट के लिए, यदि आप 2 मिनट बाद अपना पीसी बंद करना चाहते हैं, टाइम सेट करना चाह रहे हैं तो 120 आए,
3 मिनट के लिए 180 टाइप करें आप, ठीक है। जो भी आप टाइम आप चूज करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि उस टाइम के बाद आपका पीसी बंद हो जाए, ठीक है। तो यदि आप 1 घंटा चाह रहे हैं तो यहाँ 3600 आप टाइप करें। तो सिंपली मैं यहाँ 3 मिनट्स सेट कर देता हूँ 180। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। आप यहाँ कुछ भी अपने शॉर्टकट को नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ शट डाउन ही है, आप देख लीजिए हमारा जो शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। इसकी कोई भी स्क्रीन नहीं है इस शॉर्टकट की, अभी दूसरे जो आइकन्स से ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी राइट क्लिक करके। अब इसके बाद जो चेंज आइकन है यहाँ से हम आइकन चेंज करेंगे, ठीक है। इसे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ओके करने के बाद आप सिंपली एक आइकन चूज कर लें, है ना, टाइमर शटडाउन के लिए सिंपली। तो मैं यहाँ से एक आइकन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आइकन ठीक रहेगा। अब इसके बाद इसे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ओके। हमारा जो टाइमर शटडाउन है उसका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देख लीजिए यू आर अबाउट साइन आउट इन 3 मिनट्स, यानी आपका जो पीसी है 3 मिनट के भीतर भीतर शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग कैसे होगी, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम विंडो आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ शट डाउन स्पेस और डैश के बाद ए टाइप करेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो सिंपली आपका जो टाइमर शट डाउन है वो कैंसिल हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि जो टाइमर में आपका टाइम है आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यह शॉर्टकट है, उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको टाइम दिखाई देगा, वहाँ टाइम आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल यशराज सॉल्यूशंस।